टमाटर की शाही चटनी, सभी शादियों और पार्टियों में बनने वाली चटनी। जब ये चटनी शादी पार्टियों में आप खाते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अरे इतनी टेस्टी चटनी कैसे बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज वही चटनी आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। चटनी बनाने के लिए 1 kg टमाटर लिए हैं। सबसे पहले इस टमाटर को पहले बॉयल कर लेते हैं। पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं, अब इसमें टमाटर डालेंगे। सारे टमाटर को बॉयल करने के लिए पानी में डाल देते हैं। टमाटर को 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। टमाटर बॉयल हो चुका है, देखिए टमाटर का स्किन भी निकलने लगा है। अब ऑफ कर देते हैं। अब टमाटर को थाली में निकाल लेते हैं। अब टमाटर का स्किन निकाल लेंगे। स्किन निकालने के बाद इसे पीस लेंगे। टमाटर को मिक्सर जार में डाल लिए हैं, अब इसे पीस लेते हैं। टमाटर पीस चुका है। कढ़ाई में घी डाल लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मखाना, किशमिश, काजू, बादाम, सूखा हुआ नारियल लिए हैं। ये सभी को रोस्ट कर लेंगे। पहले काजू बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, साथ में ही सारे भून लेंगे। शादी पार्टियों में जैसे ड्राई फ्रूट्स डालकर चटनी बनती है, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स भून चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, देखिए तेल डाल दिए हैं। अब जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, पिसा हुआ टमाटर डाल देते हैं। नमक डालेंगे, नमक हल्का डालना है। गुड़ डाल देते हैं, गुड़ से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शादी पार्टियों में जो चटनी बनती है उसमें गुड़ ही डलाता है। ऐसे आप चीनी भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा आता है और कलर भी इसमें अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है। 3 इलायची का पाउडर डालेंगे। दोस्तों, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालना भूल चुके थे, इसको अलग से भून कर डाले हैं। भुना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे पहले ही भून कर डालें आप। मैं डालना भूल गई थी इसलिए अलग से डाली है। अब गरम मसाला डाल देते हैं। रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स काट कर डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। आप भी इस तरह से चटनी बनाइए दोस्तों, इस तरह से चटनी का स्वाद आप पार्टी वाला स्वाद घर में ले पाएंगे। आपके फैमिली मेम्बर भी खाएंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर में बनाया है। बिल्कुल ही पार्टी वाला स्वाद है चटनी में। ये चटनी आप घर पर बनाएंगे तो 2 के बजाय 4 रोटी खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आप भी इस तरह से चटनी बनाइए दोस्तों, बनाना बहुत ही आसान है। ये चटनी इतनी टेस्टी होती है दोस्तों कि बार बार आपको ये चटनी बनाकर खाने का दिल करेगा। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी चटनी ये बनकर तैयार हुआ है। हमारी गुड़ वाली टमाटर की मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसे आप कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।